कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, और अल्लाह ताला आप सबकी मुसीबतें और परेशानियाँ जो भी हैं अल्लाह उनको दूर करे। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सबने सब्सक्राइब किए, तो मुझे और मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं और जब मैसेज करते हैं ना, तो मुझे मैसेज सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। तो अगर मुझ में कुछ गलती है तो मुझे बताना ज़रूर प्लीज़। और तो अभी मैं आइंदा से भी तो रोज़ छोटी छोटी कोई भी वीडियोस डालूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे लाइक करो, शेयर करो, और जो भी मुझे लाइक करते हैं मैं सबके लिए, मतलब मैं तो ऑलराउंडर सबके लिए दुआ करती हूँ कि सब अच्छे से रहे, खैरियत से रहे, अल्लाह सबकी रोज़ी में बरकत दे, सबकी हिफाजत करे बीमारी से, जो कोरोना वायरस है अल्लाह ताला उससे हमारी हिफाजत करे। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन सैंडविच, जो मेरी स्टाइल में है, जो मतलब मैं बनाती हूँ, मतलब मुझे किसी ने सिखाया नहीं, बस मैंने ऐसी कुछ भी करके वो सैंडविच मैं बना लेती हूँ। तो मेरे घर में मेरे बच्चों को वो सैंडविच बहुत पसंद है, तो मैंने कहा आज चलो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, शायद आप लोग को भी पसंद आ जाए वो सैंडविच। बहुत इजी और बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा थाम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए। तो चलो फिर देखते मुझे क्या क्या तो मुझे सामान। जो सामान लगेगा वो ये है। अच्छा, ये ना चिकन है, आधा किलो चिकन है, ब्रश पीस है। तो इसको मैंने धो के काट के थोड़ा सा अदरक लहसुन नमक डाल के बॉईल करके इसको बारीक बारीक मिक्सी में डाल के ऐसा बारीक कर ली हूँ। आप लोग हाथों से भी कर सकते हो, मगर मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि मैं मिक्सी में डाल के कर लेती हूँ, फटाक से काम हो जाता है मेरा। तो ये मैंने आधा किलो चिकन है जिसको मैंने शेड मतलब मिक्सी में पीस के, मतलब ऐसी एक राउंड घुमा के ले ली हूँ। और ये दो चीज़ का आमूल चीज़ का वो क्यूब है, और ये 3 चम्मच मेयोनीज़। मैंने आपको बताया ना मुझे मेयोनीज़ बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है वो डालने से। और ये चिली फ्लेक्स है 1 टेबल स्पून, ये वाइट काली मिरी है जो 1/2 टेबल स्पून है, और ये 1 टेबल स्पून है ब्लैक काली मिरी, और ये है ऑरिगेनो, ठीक है। और ये मस्का लगेगा हम लोगों को थोड़ा, जो कि मेरे पास टोस्टर भी है बट मैं उसमें नहीं टोस्ट करूँगी, मैं इसमें टोस्ट करूँगी क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल होता है, तो मुझे ज़्यादातर ये बेहतर लगता है, ये अच्छा लगता है, तो मैं इसमें टोस्ट करूँगी। टेस्ट करने के लिए मैंने अमूल मस्का लिया है, और ये मेरा ब्रेड है, ये हमारे बेकरी है जो हमारे घर के पास, ये ब्रेड उधर से आता है, तो ये अभी मैंने ब्रेड मंगाई हूँ, तो मैं इसका सैंडविच बनाऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे मतलब किस तरह से सब मिक्स करती हूँ। और फिर तो चलो चिकन को मिक्स कर लेते हैं, सारे जो सामान है सब इसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले मेयोनीज डाल देंगे पूरा, ये 3 चम्मच मेयोनीज है जो मैंने ली हूँ, ये भी डाल देंगे हम लोग इसके अंदर। और ये चीज़ अमूल का चीज़, असद को ये सैंडविच बहुत पसंद है, असद को, अनम को, सारे बच्चों को सैंडविच बहुत पसंद है। तो ये चिली फ्लेक्स इसमें चला जाएगा, ये वाइट पेपर, ये ब्लैक, और ये ऑरिगेनो। अभी हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप लोग ने देखा मैं ये मिक्स करने लगी, और आप लोगों को जो सामान बताई उसमें मैंने अमूल क्रीम तो डालना भूल ही गई, तो ये मैंने अमूल क्रीम लिया है, इसको मैं आधा डाल दूंगी इसके अंदर ताकि ये अच्छे से सब मिक्स हो जाए। तो ये हम लोग सब डाल के मिक्स कर लेंगे। और एक और ज़रूरी चीज़, ये है मेरा मैजिक मसाला, तो ये तो ज़रूर डलेगा। तो चलो डालते हैं मैजिक मसाला। तो
जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरा सैंडविच यहाँ रेडी हो चुका है, तो मैं ये एक आप लोगों को बता देती हूँ कैसे, मतलब कैसे बना है करके, क्योंकि बताना भी ज़रूरी है, नहीं तो सब बोलेंगे कि अरे सैंडविच कैसे बनाए वो नहीं बताए। तो देखो मैंने इसमें आमूल मस्का थोड़ा सा डाली हूँ और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से लगा लो ताकि वो चिपके नहीं, ठीक है। इसमें चला गया, अभी इसको बंद कर दें। तो ये भी हमारा सैंडविच हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि हम लोगों की सैंडविच हो गई है रेडी, इसको प्लेटिंग किया है मेरे बेटे ने जो कि उसको बहुत शौक है, और ये है चिप्स प्रिंगल जो कि मेरे हस्बैंड ने दुबई से लाए थे, तो ऐसे ही मैंने रख दिया, बच्चों को बहुत पसंद है, शायद खा के मालूम पड़ेगा कैसे बना है। तो ये है मेरा सैंडविच, आप लोग भी बनाओ, बहुत इजी और आसान है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बनाओ और खाओ, और मुझे दुआओं में याद रखो, और माशाल्लाह ज़रूर बोलना, क्योंकि माशाल्लाह बोलने से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, जब आप लोग कमेंट में माशाल्लाह लिखते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।